वर्ष 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट के चार आरोपियों को हाईकोर्ट ने किया बरी। जिला सेशन कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा। हाईकोर्ट ने एटीएस के अधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी दिया आदेश। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अभी भी देश के लोगों को लगता है कि न्याय व्यवस्था कहीं ना कहीं जिंदा है और उसका एक बहुत बड़ा सबूत राजस्थान से सामने आया है। 29 मार्च बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने वर्ष 2008 में जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के लिए जिन चार मुस्लिम युवकों को दोषी मानकर जयपुर जिला सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, उन्हें निर्दोष बरी करते हुए एटीएस के अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। क्योंकि एटीएस के अधिकारियों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, सबूतों को काट छांट कर पेश किया, सबूत गड़मट किए और एटीएस की जो थ्योरी थी हर मुद्दे पर, हर एविडेंस पर, उसको हाईकोर्ट ने नकारते हुए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के गिरफ्तार किए गए इन चार लोगों को बरी करने का आदेश दिया है। इस संबंध में पूरी बातें रखी हैं इन चारों के वकील सैयद सादात अली ने। क्या मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट ने कैसे फैसला सुनाया वो हम आपको बता रहे। लगभग 48 दिनों तक इन चारों द्वारा जो हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी उस पर सुनवाई चल रही थी। 48 दिनों की सुनवाई पूरी होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। क्या लैप्सेस थे एटीएस की जांच में, किस तरीके की सबूतों की छेड़छाड़ थी, जिन साइकिलों पर बम प्लांट किए गए थे उनके बिलों में कैसी छेड़छाड़ की गई थी, दिल्ली से आने का, जयपुर तक आने का जो इन चार युवकों का एटीएस का दावा था, वो चार युवक हिंदू नाम से आए और एक ही दिन में आए, एक ही दिन में बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने करवाया और शताब्दी एक्सप्रेस से वो वापस लौट भी गए, ये कैसे मुमकिन है, ऐसा बड़ा सवाल खड़ा करते हुए जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सचिन जैन के बेंच ने एटीएस के महानिदेशक को इन जांच अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार को इस केस पर निगाह बनाए रखने के भी निर्देश दिए है। वहीं राजस्थान सरकार ने अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। भाजपा ने इसे राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की विफलता बताया है कि कैसे बम ब्लास्ट के दोषी छूट सकते हैं। बहरहाल अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी कट्टरता, अपनी अपनी सोच, कानून अभी जिंदा है, यह हाईकोर्ट राजस्थान ने साबित कर दिया। वहीं इस मामले में आजमगढ़ के मूल रूप से रहने वाले मुंबई के समाजवादी के विधायक अबू असीम आजमी ने भी प्रतिक्रिया दी है और खुशी इजहार करते हुए एटीएस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने एटीएस की एंटायर थ्योरी को गलत माना और इसी वजह से इनको बरी किया। एंटायर थ्योरी एटीएस की एंटायर थ्योरी ये थी कि उनको 13 सितंबर 2008 के अंदर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिया एक बाटला एनकाउंटर हाउस में एक मोहम्मद सैफ नाम के मुलजिम से, जो इस केस में इसको मुलजिम बनाया। तो जयपुर में तो इंसिडेंट 13 मई 2008 को हो गया था। तो जब आपको पहली बार डिस्क्लोजर स्टेटमेंट 13 सितंबर 2008 को मिला, जो 4 महीने बाद मिला, तो इस 4 महीने के अंदर एटीएस ने क्या कार्रवाई की थी? उसमें तो आपने बिल बुके बरामद कर ली थी सारी। तो फिर आपको किसने बताया था अगले ही दिन, आपको किसने बताया था अगले ही दिन कि यहां से साइकिल खरीदी गई? कोर्ट ने यह भी कहा कि जो बिल बुके पेश की गई हैं, जो बिल्स पेश किए गए हैं साइकिल खरीदने के, उन पे जो फ्रेम नंबर है वो फ्रेम नंबर जो साइकिल सीज की गई है उससे मैच नहीं करते, तो वो थ्योरी भी गलत मानी है। फोर्थ थ्योरी है कि जो जर्नी ट्रेवल का इन्होंने पेश किया है, जो स्टोरी बताई है कि साहब ये मुलजिमान जो है 13 मई 2008 को दिल्ली से रवाना हुए, बस डीलक्स बस से आए, जयपुर पहुंचे, उनका कोई टिकट पेश नहीं किया, वो चारों हिंदू नाम से आए हैं, उन साइकिल खरीदने वालों के नाम दूसरे कुछ और नाम हैं, और एटीएस की थ्योरी यह है कि वो उसी दिन 2:30 बजे यहां पहुंचे, उन्होंने पहुंच के यहां खाना खाया एक होटल के अंदर, फिर किशनपुर बाजार जाके साइकिलें खरीदी, फिर उनपे बम इम्प्लांट किए और 4:30-5 बजे शताब्दी एक्सप्रेस से वापस दिल्ली चले गए। तो ये कैसे मुमकिन था? सर वो छर्रे वाली बात जिसके अंदर एफएसएल की रिपोर्ट भी मैच नहीं कर रही है। एटीएस ने ये अपनी थ्योरी पेश करी थी कि इन्होंने बम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए प्लेट्स छर्रे जो हैं वो दिल्ली जामा मस्जिद के सामने एक दुकान है वहां से खरीदे। तो पुलिस ने जो छर्रे पेश किए थे वो छर्रे और बॉडी से जो छर्रे मिले, यानी कि बम में जो छर्रे इस्तेमाल हुए थे, वो एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक मैच नहीं करते हैं। तो पुलिस की एटीएस की ये थ्योरी भी गलत थी। एटीएस के सब इंस्पेक्टर ने जो साइकिल की रजिस्ट्रेशन और इसकी जांच की वो भी मैच नहीं करता, वो भी मैच नहीं करता। क्या रहा था उसमें? उसमें बिल पे जो साइकिल का फ्रेम नंबर है वो साइकिल के ऊपर नहीं है,
और बिलों के अंदर काट छाट की गई। कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया इसी बात के ऊपर कि बिल के अंदर टेम्पर्ड किया गया, बिल को काट छाट की गई, मैनिपुलेशन किया गया। 13 मई 2008 को शांतिपूर्ण शहर जयपुर में बम धमाके हुए जिसमें 71 लोग मारे गए थे। कालांतर में दिसंबर 2019 में इन्हीं में से एक आरोपी को फांसी की और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन सब आरोपियों को बरी कर दिया। उनका बरी होना इतने बड़े संज्ञेय अपराध पर, ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पैरवी पर शंका पैदा करता है। और जिस तरीके से एटीएस ने सबूत पेश किए, कांट छांट कर पेश किए, और न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है कि इसमें पैरवी ठीक तरीके से नहीं हुई, सबूत ठीक तरीके से नहीं आए, जांच का जो पक्ष है वो शंका पैदा करता है, ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। रमजान के इस मुबारक महीने में मैं सबसे पहले आजमगढ़ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, जिस आजमगढ़ को आतंकवादगढ़ कहा जाता था, जहाँ के 4 बच्चे मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर, सैफुर रहमान, सलमान, जिनको ब्लास्ट केस में, जयपुर के केस में पकड़ा गया और 8 FIR थे, 14 सालों से अंदर जब निचली अदालत सेशन कोर्ट ने फैसला किया तो इनको फांसी की सज़ा सुनाया और चारों तरफ मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ वावेला मचने लगा कि ये जिस मुल्क में रहते हैं उसी मुल्क के खिलाफ ये जो आतंकवाद की घटना करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। मुझे अफसोस, मुझे बहुत खुशी है आज कि आज भी इंसाफ जिंदा है इस मुल्क के अंदर। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जज साहब ने जब फैसला दिया कि इन चारों को बेकसूर छोड़ा है और ये भी कहा है कि उन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए जिन पुलिस वालों ने झूठी गवाहियां, झूठे कागजात बना करके इनको, इनकी ज़िंदगी बर्बाद किया था। ऐसे बहुत सारे केसेस इस मुल्क में, मैं इसमें किसी पार्टी को कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हूँ, किसी पार्टी की भी हुकूमत रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, शिवसेना की रही हो, इन सब ने बेकसूर मुसलमानों को जेलों के सलाखों के पीछे बंद करके इनकी ज़िंदगी दूभर कर दिया, जिनकी कोई गलती नहीं है। कहीं किसी ने गलती से किसी मोबाइल पे कोई चैट कर लिया, किसी से बात कर लिया, उसके लिए इनकी ज़िंदगियां दूभर कर दी गई। इंसाफ का तकाजा यह है कि जितने बच्चे जेल में हैं इनको तुरंत जो है इनकी इंक्वायरी होना चाहिए, कसूरवार को सज़ा दी जाए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मजहब देख करके, किसी मजहब को निशाना बना करके इस मुल्क में हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों की तरफ से ऐसे वाकयात दिखाकर जो नफरत पैदा की जा रही है ना, इससे मुल्क कमज़ोर होगा। अभी भी वक्त है, इंसाफ लाइए, इंसाफ होगा तो लोगों के अंदर हमदर्दी होगी और इस मुल्क की तरक्की होगी। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ जज साहब को, जिन्होंने इंसाफ किया और बच्चे 14 साल के बाद कम से कम वो बेकसूर साबित हुए।